आपका इतिहासकार फ्रेंड आज आ गया है उदयपुर में अहर सेनोटाइप्स देखने के लिए। इसको अहर सेनोटाइप्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मेवाड़ के महाराजा की छत्रियाँ है। माँ सती के नाम से भी जाना जाता है इस जगह को, और उदयपुर सिटी से लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी पर 15-20 मिनट में आप यहाँ पर आ सकते हैं। इस तरह की 250 छत्रियाँ बनाई गई है मेवाड़ महाराजा की। ये 350 साल पहले का स्ट्रक्चर है, और उस टाइम पे जिन महाराजाओं ने रूल किया था यहाँ पे उनके नाम से बहुत सारी छत्रियाँ बनी हुई हैं। जैसे ये वाली छत्री अगर मैं आपको बताऊँ, ये महाराणा संग्राम सिंह जी की है, ये छत्री बड़ी छत्री है ये वाली। वैसे ही इसके ठीक सामने एक और छत्री बनी हुई है, ये महाराणा अमर सिंह जी द्वितीय की छत्री है, ये वाली आप देख सकते हैं। इसी तरह की बहुत सारी छत्रियाँ बनी हुई है इस पूरे कंपाउंड में। उधर वाला आधा पोर्शन जो है वहाँ पे अभी गेट बंदे जा नहीं सकते, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इधर बीच में एक बावड़ी भी है, स्टेप वेल जिसको हम बोलते हैं, ये पानी स्टोर करने के काम आता था। मैं आपको पास ले जाकर दिखाता हूँ। यहाँ पे स्टेयर्स बनी हुई है, उसके थ्रू नीचे जा सकते हैं, जो भी पानी यहाँ पे इकट्ठा होगा उसको भर सकते हैं काम वगैरह करने के लिए। आप देख रहे हैं इस तरह से यहाँ पे पानी स्टोर करके यूटिलाइजेशन इसका किया जाता होगा। अभी तो खैर मोटर लगा दी है पाइप वगैरह, ताकि इस पानी को इस्तेमाल करके यहाँ घासों को पानी दिया जा सके। इस वाले छतरी पे मैं आपको ऊपर ले जाकर दिखाता हूँ, महाराणा संग्राम सिंह जी वाली छतरी पे, कि ऊपर से इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ये मार्बल के बने हुए हैं, मार्बल के और स्टोन के। आप देखिए ये मार्बल का है, ये वाला पोर्शन ये पूरा मार्बल का बना हुआ है, और स्टोन के साथ इसको बनाया गया है। अभी तक बिल्कुल इंटैक्ट है, इसकी कंडीशन वगैरह भी अच्छी है और टूटा नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए आप पीछे, इस तरह का इनका स्ट्रक्चर है। अगर मैं आपको इसके और ऊपर ले जाके दिखाऊं, आप देख सकते हैं क्या है इसके बीच में। इसके दीवारों पे देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई गई हैं हाथों से इसको तराश के, और ऐसा स्ट्रक्चर है ये अंदर से। यहाँ पे देखिए आप, इसकी छत भी बहुत ऊंची है। मैं भी उदयपुर में अहर सेनोटाइप्स देखने के लिए आया था, जहाँ पे बहुत सारी छत्रियाँ बनी हुई है, लगभग 250 छत्रियाँ हैं यहाँ पे मेवाड़ के महाराजा की। और यहाँ पे मुझे एक और टूरिस्ट मिले जो हरियाणा से आए हैं। आप कहाँ से आए हो हरियाणा में? जींद। जींद से आए हो आप? अच्छा, जींद तो मैं गया हूँ, मैंने देखा हुआ है, रानी तालाब है हमारा। हाँ, रानी तालाब है वहाँ पे। और यहाँ पे क्या क्या देखा आपने अभी? यहाँ पर बड़ी लेक, फतेहपुर सागर लेक, वो सब देख लिया आपने? सिटी पैलेस, सखियों की बाड़ी। दूर नहीं गए आप चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़? वो पिछली बार गए थे, वो पहले ही देख चुके हो आप। सज्जनगढ़ फोर्ट भी देख लिया, बागोर की हवेली में जो गए थे हम। अच्छा, सज्जनगढ़ फोर्ट। हाँ जी, और कुंभलगढ़ भी गए थे। गए अभी इस बार? नहीं, पिछली बार। पिछली बार गए थे कुंभलगढ़। अब जाएंगे हम पिछोला लेक अभी आज, अब जाएंगे और फिर कल वापस, कल बैक टू पवेलियन। अच्छा, इनकी डॉटर भी आई है जो शर्मारी, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे ये छुपने की कोशिश, कैसा लगा यहाँ पे? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा है, बहुत ब्यूटी, सीनिक ब्यूटी बहुत प्यारी है यहाँ की। अच्छा, और हाँ जी बहुत अच्छा है यहाँ पर, शांत प्रिय है, शांति बहुत है। जैसे बड़ी लेक पर हम गए, हाँ। वहाँ पर यूजुअली बहुत टूरिस्ट नहीं जाते हैं, कम आते हैं, कम आते हैं उधर, तो वहाँ बहुत शांति थी, तो वहाँ बहुत देर बैठे लेक के साइड पे, बहुत अच्छा लगा, शांति, फोटोशूट किया। हाँ, फोटो तो बहुत अच्छी आती है यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू आपसे मिलकर।